5 सितंबर को जब फ्री फायर इंडिया लॉन्च होगा तब क्या उसे खेलने के लिए हम लोग को न्यू आईडी बनाना पड़ेगा। तो हमारे फ्री फायर वाली आईडी का क्या, जिसमें हमने डायमंड्स लेके इलेट पास, बुया पास, इमोट्स खरीदे, या फिर दिन रात मेहनत करके गेम वगैरह खेल के इतना सारा लेवल हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये सेम क्वेश्चन मेरे को कल वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिला और ये सेम क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में भी आ रहा होगा, जो कि आना भी चाहिए, नॉर्मल सी बात है। और आप सभी का इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना। चलिए शुरू करते हैं। फ्री फायर इंडिया में आपके आईडी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे नंबर वन पे आता है प्ले टाइम लिमिट, जो पहले फ्री फायर के अंदर नहीं हुआ करता था, बट फ्री फायर इंडिया के अंदर होगा, जिसमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपका उम्र क्या है, 18 साल से कम है या फिर 18 साल से ज्यादा है, दोनों के लिए जिनके 24 घंटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 घंटे गेम खेलने का लिमिट रख दिया जाएगा। दूसरा चेंज जो कि फ्री फायर इंडिया के अंदर होने वाला है, वो होने वाले एज लिमिट के ऊपर। तो ये वाला पॉपअप नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑलरेडी दिख चुका होगा, अगर आप लोगों को नहीं भी दिखा है तो बहुत जल्दी दिख जाएगा। तो इसके अंदर जो भी सच्चाई है वही आप लोगों को फिल करना है। अगर आपका उम्र सच में 18 साल से कम है तो 18 साल से कम ही सिलेक्ट करना है। तो क्या होगा, पहले देख लेते हैं जिनका 18 साल से ज्यादा है उनके लिए क्या है। 18 साल से अगर आपका उम्र ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर मान लीजिए आपका उम्र 18 साल से कम है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना अपना पेरेंट्स का, मम्मी का या पापा का, किसी का भी मोबाइल नंबर डाल देना है। वेरिफिकेशन कोड उन्हीं के फोन में ही जाएगा, जिसको आप लोग अगर यहाँ पे डाल दोगे वेरिफिकेशन कोड को, तो फिर आप लोग का गेम चलने लगेगा मक्खन की तरह जैसे पहले चलता था। इसके अलावा जब आप लोग गेम को ओपन करोगे, चाहे आपका उम्र 18 से ज्यादा हो या फिर 18 से कम हो, तो ऐसा एक पॉपअप शो हो जाएगा कि ये जो गेम है फ्री फायर इंडिया, ये वर्चुअल है जिसका रियलिटी के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं रहने वाला है। आप बोलोगे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो हमें भी पता है। देखिए आपको इसलिए पता है क्योंकि आप लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो, बट बहुत छोटे छोटे बच्चे इस गेम को खेलते हैं ना, तो उनको ये चीज समझाना पड़ता है, वरना फिर क्या होता है, गेम में अगर हार गए तो फिर रियल लाइफ में भी वो दुखी रहते हैं, कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, और अगर गेम में जीत गए तो फिर रियल लाइफ में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर उनको ये समझना चाहिए कि रियल लाइफ में और इस गेम का वर्चुअल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है। नेक्स्ट चीज जो चेंज होने वाला है फ्री फायर इंडिया के अंदर, एक लिमिट लग जाएगा आप लोगों का फाइनेंशियल स्पेंडिंग के ऊपर। मतलब मान लीजिए आप लोग लाखों उड़ाते थे, ठीक है, पहले, पर अब आप लोग लाखों नहीं उड़ा सकते, ठीक है। आप लोगों का एक लिमिट लग जाएगा कि हाँ, डेली एक बंदा सिर्फ और सिर्फ इतने का टॉप अप कर सकता है या फिर इतने का गेम के अंदर इन गेम परचेजेस कर सकता है। मुझे पता है ये चीज आप लोग नहीं कर रहे होंगे जो चीज मैं अभी बोलने वाला हूँ, पर कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड वगैरह लेके अनलिमिटेड पैसा उड़ा देते हैं। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में सुना ही होगा। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और फ्री फायर इंडिया के अंदर इस चीज का भी सोल्यूशन आ गया। फाइनली हम लोग आ जाते हैं आपके आईडी के ऊपर, क्या होगा आपके आईडी के साथ। फ्री फायर इंडिया के अंदर लॉगिन करने के लिए आप लोगों को क्या नया आईडी बनाना पड़ेगा, इस चीज का आंसर मैं आप लोगों को अभी दे दूंगा। लेकिन उससे पहले कल वाले वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से कहा था कि MS धोनी, जी हाँ, द लेजेंड, वो फ्री फायर के अंदर आने वाले आज अवर न्यू कैरेक्टर, और तो और वो अपना फ्री फायर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर भी बनने वाले। इस चीज का प्रूफ ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फ्री फायर इंडिया ऑफिशियल इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ये वाला पोस्ट किए हैं। कीप कम, कीप कूल। आपको पता है फ्री फायर इंडिया वाले इस चीज से किस इशारा कर रहे हैं, कौन है कैप्टन कूल? गाइस कमेंट करके उनका नाम बता दो, देखते हैं किस किस को पता है कैप्टन कूल हम किसको बोलते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों का क्रिकेटर का नाम भी बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में, जो इंडिया टीम में खेल रहे हो आजकल, जैसे कि MS धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, कौन आपके फेवरेट है, उनका नाम भी आप लोग साथ साथ कमेंट करके बोल देना। बाकी अभी हम लोग बात कर लेते हैं इतना बड़ा प्रॉब्लम के बारे में, मतलब आप लोगों को क्या नया आईडी बनाना पड़ेगा फ्री फायर इंडिया के अंदर। देखिए ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है ही नहीं आप लोग जितना बड़ा सोच रहे हो। जिस आईडी से आप लोग अभी गेम खेल रहे हो, बस उसी आईडी और उसी पासवर्ड को आप लोगों को जब फ्री फायर इंडिया का लॉगिन आप लोग करोगे ना, उसके अंदर डालना है, आप लोगों का आईडी अपने आप ही ऑन हो जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, वही सभी चीजें, आप लोगों के कपड़े, आप लोगों के इमोट्स, आप लोगों के गन स्किन, सभी चीजें हूबहू सेम रहने वाले हैं हमारा न्यू गेम फ्री फायर इंडिया के अंदर भी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। बाकी कुछ भी आप लोगों का अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कल और एक वीडियो आएगा, मस्त वीडियो आएगा, इसके अंदर फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल कर लो, क्योंकि कल वाले वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ कमेंट से रीड करने वाले, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन हम लोग आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो कमेंट्स कर देना आप लोगों के मन में कुछ भी सवाल चल रहा हो, मैं देखूंगा और कल वाले वीडियो के अंदर उसको पढ़ूंगा भी। चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं टुनाइट अपडेट के बारे में। चलिए देखते हैं कि आज के 12 बजे के बाद गेम के अंदर नेक्स्ट इवेंट या फिर नेक्स्ट अपडेट कौन सा आने वाला है। आज के 12 बजे के बाद या फिर कल सुबह 4 बजे के आसपास गेम में आप लोगों को ये जो डेंटे वाले बंडल है, हंटर डेंटे बंडल, इसका एक पूरा का पूरा टोकन हुई या फिर DMC रिंग देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर बंडल भी रहेगा, साथ ही साथ उसका आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेलर देखने के लिए मिलने वाला है एनिमेशन,
जिसको आप लोग बोलते हो गाइस, ठीक है, वो भी देखने के लिए मिलेगा। इमोट भी रहने वाला है इसके अंदर। तो कुल मिला के डेविल मे क्राई थीम के जितने भी चीजें इसे एक टोकन रिंग के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट फिश मतलब कल वाली वीडियो के अंदर। तो बाय, टेक केयर, अच्छे से करते रहो, मैंने साइन में इसको मारते रहो।